नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग सर? और अभी तो सर अब आपका जुलाई मंथ आ गया है, ट्यूशंस की सर बौछार है, इस में बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें सभी टीचर्स तो जा रहे हैं। अगर आपको आपको अभी तक नहीं मिला है सर, तो ज़रूर आप हमसे बात कीजिए। तो बात करने के लिए आप डायरेक्ट कॉल मत कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे लिखकर भेजिए, मैं जब फ्री होऊंगा सर तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है? और अभी हम आपके पास आए हैं सर एक ऑफ़र को लेकर के, ऑफ़र बहुत ही विशाल ऑफ़र है सर। एक स्कूल है सर बिरला ओपन माइंड, ये वैकेंसी जो है बिरला ओपन माइंड की है, प्ले स्कूल की, बिरला ओपन माइंड प्ले स्कूल में फीमेल टीचर मॉन्टेसरी ग्रुप को पढ़ाने के लिए वैकेंसी है। चार टीचर्स चाहिए, चार टीचर। हाँ, अब इसमें कुछ कंडीशंस है सर, टीचर्स के पास मिनिमम कम से कम, ऐसे तो दो साल, ऐसे कम से कम वन ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए किसी अदर स्कूल का जहाँ पर वो काम कर चुकी हो, जिनसे कि उनके पास कुछ आइडियाज अवेलेबल हैं, तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। जहाँ तक बात रह गई क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन तो ज़रूर होंगे, ग्रेजुएट तो ज़रूर होंगे, आप जा सकते हैं, इंटरमीडिएट पास आउट भी हैं तो भी जा सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चों का केयर कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की अगर नॉलेज आपके पास अच्छी है तो आप इस स्कूल में आप आराम से जा सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, किस वैकेंसी में सैलरी कितनी है, इस स्कूल में सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी आपके क्वालिटी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, ऐसे आपको अप टू 10K मिलेगा। अब इसमें अप टू 10K में आपकी 5K भी हो सकती है, 7K भी हो सकती है, 8K भी हो सकती है, 9K भी हो सकती है, 10K भी हो सकती है, और 10K प्लस भी हो सकती है। ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। जब वहाँ पर आप 2-3 दिन वर्कआउट करेंगे तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपसे बैठ के बातें करेंगे और आपकी बात बन जाएगी, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जाने के लिए करना क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि इनेबल होम ट्यूशन टीचर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलता आया है पिछले 15 सालों से। तो इस बार भी इस ट्यूशंस में जाने के लिए आप के मन में है तो आप जा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी फिक्स्ड नहीं है, आप कुछ भी अमाउंट दे करके जा सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। इस वैकेंसी में, खास करके स्कूल की वैकेंसी में, मैं टीचर्स को खास करके इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, इसलिए कि आप जाइए वहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि ऑथोराइज्ड पर्सन है। आप जाएंगे, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, और आप जब वर्कआउट करेंगे तो आप वहाँ से कमीशन जो बनती है हमारी, जो हम लेते हैं, जो हमारे टर्म एंड कंडीशन के प्लेलिस्ट वाले में जाएंगे, ट्यूशन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए, और आपको पे करना है ईमानदारी से। और सभी टीचर्स करते भी आ रहे हैं, तभी तो इतनी बड़ी संस्थान चल रही है, तो आपको भी करना है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी अदर कंसल्टेंसी की तरह कि सर मेरे पास नहीं है तो भी जाइए, आपके पास एबिलिटी है तो आप जाइए, उसको आप मनी में एक्सचेंज कीजिए, और वहाँ से जब आप लेकर आइए तभी आप कुछ हमें दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई। अब बात आ जाती है सर स्कूल स्थित कहाँ है। तो स्कूल का मैं आपको सिर्फ एरिया बताता हूँ, एरिया है पटेल नगर एरिया। पटेल नगर एरिया में स्कूल अवेलेबल है। स्कूल में जाने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में है यूट्यूब पर, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले करके आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर बातचीत करके दे दूँगा। जो बातें मैंने बताई है उसकी एबिलिटी, वो चीज़ आपके पास है तभी आप जाइए। और साथ साथ उस स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर टीचर की भी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर। अगर कोई सेंटर कोऑर्डिनेटर है आपके संपर्क में, आप उन्हें बताइए और जाकर के वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे करके अपना जॉब कर सकती है। सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए आपको 15K तक मिल सकता है।
तो जो भी टीचर इंटरेस्टेड हैं आप लोग जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सभी को जाकर के वर्कआउट करें। धन्यवाद।